सांस्कृतिक व्यवहार घर से शुरू होना पहले कि हमारा अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही देखते हैं हम, उनका आपसी संपर्क व्यवहार कैसा है, फिर उनका हमारे जो बड़े दादा दादी चाचा ताऊ जो भी कुछ है हमारे पड़ोसी है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है। कई बार आपने एक परिस्थिति देखी होगी बेटा, दादी और माँ सुबह सुबह लड़ना शुरू कर देती हैं और आपको क्या होता है, अरे सुबह सुबह रोटी खा कर आई थी, स्कूल का टाइम होने लगा, दोनों लड़ने में लगे हुए हैं, उनका ध्यान नहीं है कि बच्चे को स्कूल में जाना है और टिफिन भी उसका तैयार करना है। तो आप क्या होते हैं, आप स्कूल में आ जाते हैं और क्या रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं सारा दिन। आपसे पता चलता है बेटा कोमल आज ऐसे क्यों है, मैडम हमारे जल्दी नहीं बताएंगे बच्चे, धीरे धीरे अगर उसको एक साइड में ले जाके पूछा जाता है तो बताती है मैडम आज सुबह सुबह ऐसा हुआ और इसलिए मैं ना खाना नहीं लेके आ पाऊ। तो फिर क्या करेंगे हम, बच्चे को सारा दिन भूखा थोड़े रखेंगे, फिर हम बताएंगे बेटा वो है ना प्रीति का तेरी फ्रेंड है ना, आज उसके साथ अपना टिफिन शेयर कर लेना, ठीक है। नहीं तो हमारे स्कूल में मिड डे मील भी बनता है, तो जब नौवीं दसवीं के बच्चों का नहीं बनता फिर भी हम बच्चों को बोलते हैं बेटा वहां से खाना आप लेके आओ और आप खाना खाओ। यहाँ से आपको किस चीज की शिक्षा मिली, नंबर एक तो अपने आसपास की कोई भी समस्या है उसको अपने अध्यापक, स्कूल में हो तो अपने अध्यापक के साथ शेयर करो कि ऐसे ऐसे बात है। समस्या का समाधान तभी होता है जब आप उस समस्या को बताएंगे। कई बार क्या होता है बच्चा दो तीन दिन किसी कारण से रह गया घर पे, अरे मजबूरी है कुछ भी हो सकता है, घर में बच्चे को रहना पड़ सकता है, बच्चा रह गया पीछे। तो क्या हुआ, टीचर जब काम चेक कर रहा था तो बच्चा पीछे है, काम था नहीं, टीचर ने डांट लगाई, बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, बेटा क्या बात है, बेटा क्या बात है, बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा, उसमें क्या होगा, गुस्सा ही तो होगा ना। तो बेटा ऐसी अगर परिस्थिति आ जाती है तो कभी आप बताएं कि मैडम ऐसे ऐसे समस्या थी और ये मैं काम नहीं कर पाई। लेकिन इस तरह की जब समस्या होती है आप स्कूल नहीं आ पा रहे तो आपके आसपास में आपके ही क्लासमेट होते हैं बेटा, आप उनसे कॉपी ले, आप उनसे काम पूछे, आप लगभग काम तो अपना कोशिश करें पूरा करने की। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, तू उसकी कॉपी ले आती, रीतिका की कॉपी ले आती, पिंकी क्यों नहीं लेके आई, मैडम उनसे तो हमें ना मेरी बोल चाल नहीं है, उससे तो मेरी बनती नहीं है, आप बोलते हैं ना ऐसा। कई बच्चे मैडम वर्षा है, मैंने उसको बोला बेटा आपने काम, मैडम मैंने सोची कभी वो कॉपी ना दे, मैंने मैडम मैंने तो मांगी ही नहीं, ठीक है कभी वो ना दे। कई बच्चे क्या रहते दबे दबे से डरे डरे से रहते हैं। तो बेटा ऐसा व्यवहार आप अपना ना रखिए। एक बात और यहाँ पर आपके लिए आती है बेटा, आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा आपको लगता है जो पिछड़ा हुआ सा है, दबा दबा सा बैठा रहता है, डरा डरा सा बैठा रहता है, तो उससे आप पूछिए ये बात होगी भाई, ठीक है। अगर वो किसी तरह की कोई परेशानी है जो आप उसका समाधान कर सकते हो तो आपने उसका समाधान कर दो, क्या हो सकता है उसने काम पूरा ना कर रखा, ये मेरी कॉपी ले ले और इसमें से पूरा कर ले तू अभी, और घर पे ले जाना मैं, लेकिन मेरे को भी काम करना है, मेरा घर पे तो मैं पूरा काम कर लूं तब आके मेरे घर से ले जाना। लेकिन घर पे वही बुलाए बच्चा जिसके आपसी संबंध अच्छे हो, समझ गए ना। कई बार कुछ बच्चों को मैंने बोला बेटा वो चीज ऐसे कर लेना, तो बच्चे बोलते हैं मैडम मेरे पापा तो उनके घर पे नहीं जाने देते, अब हम कई पापा क्यों नहीं जाने देते, पापा भी ठीक है। हर एक का जो व्यवहार है वो अलग होता है, आप जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी रहते हैं वो जो माहौल है वो आपके लिए सकारात्मक होना चाहिए, आपके लिए वहाँ पर किसी तरह की गलत स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो अपने पेरेंट्स को आप साथ ही लेकर जाएं, आगे समझ में। तो ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये सारी सारी जितने भी मैंने ये एग्जांपल दिए उदाहरण दिए ये क्या है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।